फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल एमपी सक्सेसर्स में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स का पूरा एनालिसिस और एग्जाम पैटर्न क्या कैसा रहता है, सिलेबस क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आप लोगों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है और शेयर करना है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इसकी पूरी स्ट्रेटजी बताई हुई थी कि मतलब ये एग्ज़ाम किस लिए होता है, कौन से कॉलेज वगैरह हैं मध्य प्रदेश के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है, तो किस कॉलेज में क्या कैसा रैंक वगैरह रहेगी, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी और सारा कुछ मैंने उसमें बताया था। तो अब मैं आप लोगों को इसका प्रीवियस ईयर पेपर बताती हूँ कि उसके बेस पर ही आप लोगों को जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है 2020 का उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका सिलेबस बताया हुआ था कि इसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और 30-30 मार्क्स करके ऐसे आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तो आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे करके। और ये आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती और 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके फिजिक्स का रहेगा, तो फिजिक्स का सिलेबस वगैरह मैं डिटेल से बता दिया था, लेकिन इसमें मैं आपको बताती हूँ कि फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से जो क्वेश्चन हैं वो ये हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन मैं PDF दे दूँगी, तो आप लोग पूरा इसका डाउनलोड वगैरह करके और क्वेश्चन पूरे डिटेल से देख लें। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। तो इसमें देखिए ये आपके क्वेश्चन हैं, जैसे बोल्ट वगैरह से हैं आपके, ये पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह से हैं, साइंस के बेसिक साइंस भी है इसमें। जैसे ये एक दिया हुआ है कि एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग के बीच का ग्राफ होता है तो वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और भी इसमें जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप के हैं, ये कुछ आपके डायमेंशन वगैरह के हैं, ये आपके दिशाओं वाले हैं, जैसे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इतने एंड इतने, तो इसके बीच का कोण निकालना है, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो ये जैसे 90 डिग्री है इसका। और जैसे ये है आपका कि सरल आवर्त दोलन की कुल ऊर्जा इसकी अनुपातिक होती है, मतलब द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड IM के वर्ग के इक्वल होती है। ये सारा आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, आपके मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, सिंपल टू मॉडरेट ही आते हैं। तो आप लोग आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, जो आपकी 11th-12th की बुक्स हैं उनसे ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह की बुक उठा के प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर सिलेबस से आप इसमें इसके सिलेबस देख के उनमें से वो टॉपिक पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और उनके साथ साथ आपको थ्योरी पढ़ के फिर ऑब्जेक्टिव भी जो बुक्स के पीछे दिए जाते हैं वो आपको सॉल्व करने, तो ऐसे आप पूरे सॉल्व कर सकते हैं इसमें। ये आप देखेंगे इसके ये फिजिक्स के यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये आपके इसमें फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री रहेगी, टॉपिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के भी आपके इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे ही आपको इसके देखने हैं, ये सारे आपके यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे कि जैसे जिस विटामिन में धातु परमाणु मेटल एटम होता है, वन एम ने मतलब द विटामिन बिच है जब मेटल एटम इन इट इज़ वो कौन सा है, विटामिन B12 है आपका, ठीक है। ऐसे ही करके आपके ये सारे कुछ यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे इसके आपके, तो ऐसे आप देख लेंगे इसमें मतलब मॉडरेट टू इजी रहते हैं। तो आप लोगों को जो मतलब क्वेश्चन ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है और मतलब सारा कुछ कवर कर लेना है पूरा सिलेबस, और न्यूमेरिकल वगैरह भी लगाने हैं क्योंकि आपके इसमें न्यूमेरिकल विद थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें। और इसमें 4 ऑप्शन भी रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप लोग इजीली जो जिस मीडियम से हो वो उस मीडियम से कवर कर सकता है। जैसे इसमें ये होगा 30 आपके केमिस्ट्री के हो गए, अब उसके बाद आप देखिए बॉटनी, बॉटनी के भी आपके 30 रहेंगे। इसमें इन्हें बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बॉटनी और जूलॉजी, तो 60 क्वेश्चन मतलब बायोलॉजी से आप समझ लीजिए, तो 30 बॉटनी 30 जूलॉजी, तो बॉटनी से भी आपके 30 आए हुए हैं। जैसे ये है प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण इसके द्वारा शुरू किया जाता है, तो किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है, मैथियोनिन के द्वारा, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है इनने के व्यतियासिका काई एजमेटा को सर्वप्रथम निम्न में देखा गया, ठीक है, काई एजमेटा आर फर्स्ट सीन इन, तो काई में देखा गया था डिप्लोटीन में, ठीक है, 2 ही पट्ट में। तो ऐसे ये आपके रहेंगे, जैसे ये पूरे यहाँ पे आपके रहेंगे, तो ये भी आपके ऐसे करके आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए आप, ये 30 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जूलॉजी के क्वेश्चन हैं, जूलॉजी में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये सबको पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और जैसे द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी, तो ये कार्ल लिनियस के द्वारा दी गई थी। ऐसे करके आपके इसके भी इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपको ऐसे देखने हैं। और जूलॉजी वगैरह भी अच्छे से पढ़ लेनी है क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके इजी आएंगे। बालित अस्थियां वर्ग, तो ये मतलब कि
ये प्रिमेटिक बोन्स आर फाउंड इन क्लास, किस क्लास में रहती हैं, तो ये आपकी एप्स पक्षी वर्ग में रहती हैं। अब देखिए ये आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, तो ये आपके ऐसे करके अभी 120 क्वेश्चन हो गए। अब 30 क्वेश्चन और बचे, तो 30 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के रहेंगे। जनरल इंग्लिश में ये आपके रहेंगे जैसे एक्सरसाइज कैन बी अ वेरी तो बेनिफिशियल एक्टिविटी एज लॉन्ग एज यू डू नॉट ओवर डू इट, ठीक है। ऐसे ये आपके इंग्लिश के रहेंगे। टॉपिक वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन से सिलेबस पूरा मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया, तो आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से सिलेबस आपका प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर बुक्स वगैरह मार्केट से परचेज करके इसकी उसमें से पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए इसके भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे करके आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 150 क्वेश्चन के लिए ये देखिए आपके ऐसे करके 150 क्वेश्चन हो गए, ये 30 और, तो ऐसे 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 150 क्वेश्चन में आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करना है। और इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।